नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी माँ किन स्थानों पर या किन लोगों के पास कदापि नहीं जाती हैं, और हम ये भी बताएंगे कि ऐसी क्या तीन लक्षण हैं जो यदि आपके घर में हो तो लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहली बात। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के मन में काम की भावना, मोह की भावना, धर्म की भावना से ज्यादा हो, वहां पर लक्ष्मी माँ का वास कदापि नहीं हो सकता। दूसरा, अहंकार। दोस्तों, जिस व्यक्ति में अहंकार भरपूर हो, जो इंसान अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता रहे और अपनी अहम में जिए, ऐसी स्थानों पर लक्ष्मी तत्व का निवास असंभव। तीसरा, दोस्तों, संस्कृत में कहावत है, लोभस्य पाप कारणम, अर्थात लोभ ही पाप का प्रमुख कारण होता है। दोस्तों, जहाँ पर भी लोभ है वहां पर ही पाप है, और जहाँ पर ये पाप है वहां पर लक्ष्मी तत्व जागृत कभी नहीं होता। दोस्तों, जौन सी भी जगह या लोग यदि लोभी हैं अत्यंत, वहां पर धर्म का वास नहीं हो सकता और वहां पर लक्ष्मी तत्व का वास भी कभी नहीं हो सकता। चौथी जगह दोस्तों, जहाँ पर काफी हिंसा हो, चाहे वो लोगों के प्रति हो या जानवरों के प्रति हो, जहां पर भी इस प्रकार की हिंसा हो, दोस्तों वहां पर लक्ष्मी माँ की अनुकंपा कभी भी फलीभूत नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है शुरुआत में कुछ धन अर्जित कर जाए कोई, शायद पुराने संस्कारों की वजह से, लेकिन एक बड़े रूप से देखा जाए तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वायलेंस से कभी भी संपत्ति और समृद्धि में इजाफा नहीं होगा। दोस्तों, पांचवी जगह वो है जहाँ पर लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नारियों की इज्जत ना करी जाए या नारियों को उनका उचित दर्जा ना दिया जाए। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई नारी के प्रति कोई घोर अपराध कर रहा है या पाप कर रहा है या उनको बहुत ज़्यादा शोषित कर रहा है, तो दोस्तों ये आप समझ लें, अगर ऐसा आपके आसपास कहीं हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि अब लक्ष्मी जी का वास यहाँ से नहीं जाता। दोस्तों, ये तो थी पांच वो ऐसी जगह जहाँ पर लक्ष्मी माँ निवास नहीं करती। आइए हम कुछ तीन ऐसी बातों को भी जाने जहाँ पर लक्ष्मी माँ का निवास जरूर हो जाता है। दोस्तों, पहली बात, यदि आपकी जो परिवार है वो बहुत ही ज्ञान को, नॉलेज को, इंटेलिजेंस को वैल्यू करता है, उसको इज्जत देता है और सरस्वती की अर्चना पूजा करते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी माँ का निवास अनिवार्य हो जाता है। दूसरी जगह दोस्तों, एक ऐसा घर जहाँ पर अपने अतिथि का कभी भी सम्मान ना किया हो, ऐसा वक्त ना हो, या हमेशा अतिथि कभी खाली हाथ ना गया हो, कोई भूखा पेट दरवाजे से ना लौटा हो, यदि आपका घर कहीं ऐसा घर है तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी माँ सदा सदा के लिए आपके घर में निवास करने के लिए आने वाली। तीसरा दोस्तों, एक ऐसा घर जहाँ पर पति और पत्नी बहुत ही ज़्यादा प्रेम से रहते हैं, जहाँ पर प्रेम का वास है वहाँ पर दोस्तों लक्ष्मी माँ का वास जरूर होता है। यदि आप अपने घर में अपने बुजुर्गों का आदर कर रहे हैं, अगर अपने माता पिता की आशीर्वादों से लैस है और अपनी पत्नी या अपने पति के प्रति प्रेम और आदर दोनों की भावना रखते हैं, तो दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी माँ का निवास पक्का ही है। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों आपसे बिल्कुल अनुरोध है, आप ये कार्य तुरंत करें ताकि इस तरह की वीडियोस और ये ज्ञान जो हमारे भारत देश की धरोहर है आप तक रोज़ पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।